अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक छोटा सा पीएचपी का प्रोजेक्ट जिसका नाम है सिविल रजिस्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम। ये प्रोजेक्ट एक स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए बनाया था मैंने, जो बिल्कुल आप समझ लें कि बेसिक प्रोजेक्ट है, कॉलेज के किसी स्टूडेंट्स के लिए बनाया था। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं ये प्रोजेक्ट कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को दे दूं तो उनके लिए ये थोड़ा बहुत बेसिक प्रोजेक्ट है जिससे ये कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। कोई बिल्कुल हाई लेवल का नहीं है, बिगनर्स के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। चलें जी, तो बढ़ते हैं इस प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन की तरफ कि ये प्रोजेक्ट है क्या। अच्छा जी, तो इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट है या समझ लें जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है इस प्रोजेक्ट का, वो है क्या। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वेबसाइट इज टू गिव अवेयरनेस अबाउट द गवर्नमेंट और लीगल डॉक्यूमेंट्स, इट इज रजिस्ट्रेशन डिटेल्स एज वेल एज टू हेल्प टू रजिस्टर और अप्लाई फॉर दोज डॉक्यूमेंट। तो जैसे कि आप और हम जानते हैं कि हमारे पास कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, लाइक डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, इस तरह के सर्टिफिकेट्स के लिए हम गवर्नमेंट से कुछ स्पेसिफिक सर्टिफिकेट्स लेते हैं और जिनके लिए हमें लाइनों में लगना पड़ता है। ठीक है जी, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये प्रोजेक्ट की एक अप्रोच है जो एक कम्प्लीटली इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये बिगनर्स के लिए एक बेसिक समझ लें कॉन्सेप्ट है जिसको लेके आप कुछ कोडिंग करके चीज़ों को समझ सकते हैं। दैट्स इट। दिस आल्सो एक्ट्स एज अ कंसल्टेंसी एजेंसी टू असिस्ट द पब्लिक। तो ये इज अ समझ लें जैसे हमारे पास कंसल्टेंसी एजेंसी होती है जिनके पास आप जाते हो, वो सर्टिफिकेट्स बनवा देते हैं आपके लिए, वो अप्लाई करते हैं, रजिस्टर करवाते हैं और उसके बाद वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाते हैं। द प्रोजेक्ट सिविल रजिस्ट्री स्टिल रिक्वायर्स मोर डेवलपमेंट ऑफ आईटी सॉल्यूशन। सिविल रजिस्ट्री टीम ट्राइंग टू गेट मोर एफिलिएशन टू गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड डिपार्टमेंट्स। नाउ सिविल रजिस्ट्री टीम एक्टिंग एज एन एजेंसी टू हेल्प पब्लिक। तो इस तरह का कोई प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन बाकी कंट्रीज के अंदर ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं। तो बढ़ते हैं जो टेक्नोलॉजीज इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ की गई हैं, उनमें से PHP, MySQL, HTML, CSS और Bootstrap 4 है। तो ओपन सोर्स के जो भी स्टूडेंट हैं, बिगिनर्स जो PHP वगैरह की चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं, उनके लिए एक अच्छी अप्रोच होगी कि जब भी आप कोई प्रोग्राम लैंग्वेजेस पढ़ लेते हो तो उसके बाद फिर आपको एक छोटे से प्रोजेक्ट से स्टार्ट लेना चाहिए। तो उनके लिए ये प्रोजेक्ट बेहतर रहेगा ताकि वो कुछ चीज़ें या फिलो क्या होता है प्रोजेक्ट्स बनाने का, उनसे वो थोड़ा सा आइडिया लेके इन देयर करियर वो कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कि प्रोजेक्ट का हमारे पास पूरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ कि भाई इसमें क्या होगा। ठीक है, ये मैंने जो आपको दिख रहा है इसमें मैंने यूज़ किया है SB2 एडमिन पैनल, जो आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। गूगल पे लिखें SB2 एडमिन पैनल। ठीक है जी, एक यूज़र एंड होता है, एक होता है बैक एंड। तो हमारे पास यूजर्स के लिए जो इंटरफेस बनाया जाता है वो कोई भी हम बेसिक टेम्पलेट यूज करके उसको समझ लें एज अ यूजर के लिए फ्रंट एंड बना लेते हैं। और जो एडमिन साइड की चीज़ें हैं उसके लिए एडमिन LTE या हम SB एडमिन या SB एडमिन 2, इन दोनों को यूज़ कर रहे होते हैं जो मेजोरिटी फ्री में मिलते हैं। अब यहाँ से आके इसको डाउनलोड करोगे, बाकी इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको दिख रही हैं लाइक ग्राफ, चार्ट्स एंड एवरीथिंग, तो इनको मैंने यूज़ नहीं किया। तो अभी मैंने, आप देखेंगे प्रोजेक्ट के अंदर तो वो चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड करके अपना ये प्रोजेक्ट बना सकते हो, वरना मैं आपको ये कोड भी प्रोवाइड कर दूंगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल दे दूंगा, आप मुझे ईमेल कर लीजिएगा, मैं आपको PPT, डेटाबेस और ये प्रोजेक्ट का जो भी कोड है तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है जी, सबसे पहले आप यहाँ पे आके नीचे आप देख रहे हैं क्रिएट अकाउंट की लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो देके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब सपोज इस पर मैंने ये भी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि अगर जो यूज़र किसी स्पेसिफिक ईमेल से ऑलरेडी संभाल लें कि हो चुका है रजिस्टर तो फिर से नहीं कर सकता, लाइक इन अदर काइंड ऑफ वेबसाइट्स, ऑन जीमेल और फेसबुक और अदर काइंड ऑफ जो हमारी फेमस वेबसाइट्स हैं, किसी भी स्पेसिफिक आपकी ईमेल से अगर एक बार अकाउंट बन चुका है तो आप फिर से उस स्पेसिफिक वेबसाइट पे नहीं बना सकते। तो मैंने उस डुप्लीकेशन को भी रोका हुआ है यहाँ पे।
ठीक है जी, मैं एक क्रिएट करता हूँ ali@gmail.com। अच्छा जी, यहाँ पे नाम देना होगा, यहाँ पे ईमेल, फोन नंबर, कुछ भी। ठीक है जी, उसके बाद ईमेल। अच्छा जी, यहाँ पे भी इंटर ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे भी। अच्छा, यहाँ एड्रेस है XYZ, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस होगी, और यहाँ पे पासवर्ड होगा। ठीक है जी, पासवर्ड कर देते हैं 123, यहाँ पे भी चले 1234 कर देते हैं। तो इस तरह के वैलिडेशन को मैंने रोका हुआ है, आप देख सकते हैं पासवर्ड मिसमैच। ठीक है, लेकिन अगर कोई यूज़र, सपोज मैंने कहा कि भाई अमजद अली, एड्रेस दे देते हैं XYZ, फ़ोन नंबर कुछ भी, ईमेल एड्रेस। अब सपोज इस ईमेल से मैंने ऑलरेडी एक स्पेसिफिक यूज़र को रजिस्टर कर दिया है, ठीक है जी, पासवर्ड मैं सही दे देता हूँ, तो अब देखेंगे कि उस स्पेसिफिक ईमेल से ऑलरेडी अकाउंट बन चुका है, तो आपका फिर से उससे नहीं बनेगा। हियर यू गो, आप देख सकते हैं कि आप डुप्लीकेट एंट्री दे रहे हैं, ये ऑलरेडी इस ईमेल से बंदा ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है। ठीक है जी, तो ये वैलिडेशन ऑलरेडी इसमें प्रोवाइडेड है। अब यहाँ पे आके अब मैं कोई यूनिक यूजर देता हूँ, ठीक है, जैसे ali@gmail.com हम दे रहे थे, यहाँ पे फोन नंबर आ जाएगा, इससे कोई यूजर नहीं है, पासवर्ड दे देते हैं 123 123, और रजिस्टर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ चुका है यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। जैसे आप जानते हैं कि एक बार आप जब रजिस्टर हो जाते हैं, तो फिर उसी स्पेसिफिक ईमेल से आप लॉग इन कर सकते हैं। तो अभी हमने इस ईमेल से एक स्पेसिफिक अकाउंट बनाया था, पासवर्ड 123 दिया था, लॉग इन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे लॉग इन हो चुके हैं। अब देखें, मेरे पास अभी जो स्पेसिफिक यूजर हैं वो दो ही हैं। एक यूजर होगा जो यहाँ पे इज अ समझ लें कि विजिटर होगा इस वेबसाइट पे, और एक यूजर एज एडमिन होगा जो बैकएंड पे बैठ के इन चीजों को मेंटेन कर रहा होगा। ठीक है, तो जो आम यूजर आता है या जो जनरल पर्पस के लिए आके अप्लाई करता है फॉर स्पेसिफिक सर्टिफिकेट, तो वो पहला यूजर है। देखें, इसने कोई बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट डेट नहीं किया, यहां से आके वो एड बर्थ सर्टिफिकेट कर सकता है। ठीक है, बेबी का नाम देगा। मैं अभी डमी डेटा दे देता हूँ, सही डेटा नहीं दे रहा क्योंकि वरना टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, मैं कुछ भी डेटा दे के इसको फुलफिल कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे ये डेटा मैंने दे दिया है, डमी डेटा है, सबमिट करते हैं। तो एक बर्थ सर्टिफिकेट एड हो चुका है सक्सेसफुली। जब आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आपको अपना एक वो बर्थ सर्टिफिकेट नजर आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आप जाते हैं शो बर्थ सर्टिफिकेट, तो आपको जो अभी आपने यूज ऐड किया है वो आपको नजर आ जाएगा। इसी तरह आप डेथ सर्टिफिकेट को भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आके ऐड डेथ सर्टिफिकेट। इसके लिए भी मैं डमी डेटा कुछ भी दे के जल्दी से इसको फुलफिल कर देता हूँ। ठीक है जी, नंबर ऑफ चिल्ड्रेंस 12। अच्छा जी, डेथ सर्टिफिकेट की डेट, उसके बाद डेथ पर्सन की एज, ये 100 साल जी के गया है बंदा, 1000 साल नहीं। ठीक है जी, डिस्ट्रिक्ट वॉट एवर, स्टेट कुछ भी, और इसको हम सबमिट करते हैं। ठीक है जी, डेथ सर्टिफिकेट भी एक ऐड हो चुका है। तो फिर हम जाते हैं कि शो करो डेथ सर्टिफिकेट्स, तो आपको बताएगा कि ये बंदा अभी आपने ऐड किया है। ठीक है जी, तो किसी भी स्पेसिफिक सर्टिफिकेट के लिए उस बेबी का नाम, अगर बर्थ सर्टिफिकेट है, या जो बंदा यहाँ से जा चुका है उसके लिए आपका डेथ सर्टिफिकेट का जो भी आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो यहाँ पे आके ऐड कर सकते हैं। डैशबोर्ड पे आपको काउंटर मिल जाएगा कि कितने आपने बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट्स की रजिस्ट्रेशंस की हुई हैं। ठीक है, यहाँ अप्लाई किया हुआ है फॉर दोज काइंड ऑफ सर्टिफिकेट्स। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे अगर आपके नंबर ऑफ सर्टिफिकेट आपने ज़्यादा डाले हैं, तो यहाँ से आप स्पेसिफिक समझ लें उस सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट के यूजर को सर्च कर सकते हैं विथ नेम, फादर नेम, मदर नेम, वॉट एवर, जो भी आप फिल्टर लगाओगे. ये जेक्यूरी टेबल यूज किया हुआ है तो आप उस पर फिल्टर लगा के चीजें सर्च कर सकते हैं. ठीक है जी, तो ये बेसिक सी हमारी एक सवाल है कि यूजर के लिए जो स्क्रीन है वो उस पर ये एक्शंस कर सकता है. अब मूव करते हैं हम एडमिन के साइड पे कि वो क्या क्या कर सकता है. लॉग आउट करके आप फिर से एडमिन के ईमेल से लॉग इन करेंगे. अच्छा जी, अब जितने भी यूजर आते हैं वो कितने सर्टिफिकेट्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो फॉर एग्जांपल डेथ सर्टिफिकेट्स हो या बर्थ सर्टिफिकेट्स हो, तो एडमिन को वो सारे नंबर ऑफ यूजर्स इवन उनके जो भी रजिस्टर्ड चीजें हैं फॉर बर्थ सर्टिफिकेट्स या डेथ सर्टिफिकेट्स की जो रिक्वेस्ट की हुई है लोगों ने वो भी नजर आ जाएंगी. और यहाँ पे आके इसको काउंटर भी मिल जाएगा कि कितने यूजर रजिस्टर हुए हैं और कितने बर्थ सर्टिफिकेट्स की रिक्वेस्ट कर चुके हैं और कितने डेथ सर्टिफिकेट्स की रिक्वेस्ट कर चुके हैं. ठीक है जी, ये ऑल यूजर्स होंगे. जो भी यूजर ऐड हुए हैं उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका फोन नंबर, ईमेल और ये सारी चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं. अब यूजर की रिक्वायरमेंट थी नहीं कि कोई भी स्पेसिफिक यूजर या कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट को डिलीट करना या उन चीजों को अपडेट करना हो तो वो एक्शंस में दे सकता था, लेकिन इस यूजर की रिक्वायरमेंट थी नहीं क्योंकि ये कॉलेज के स्टूडेंट है तो इनका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था. अब कॉलेज में जो माशाल्लाह होते हैं वो वैसे ही अदर बाकी लोगों से बनवा के सबमिट करवा रहे होते हैं तो उनके लिए बनाया था, तो उन लोगों की रिक्वायरमेंट थी नहीं. छोटा सा प्रोजेक्ट था लाइक असाइनमेंट, तो उसके लिए जो उन लोगों ने चीजें बताई थी तो मैंने उस तरह की चीजें इंप्लीमेंट करके दे दी थी. ठीक है जी, तो ये आपको नंबर ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स के जो भी यूजर्स ने अप्लाई किया है वो नजर आ जाएंगे और आप इनको सर्च कर सकते हो. हाँ, इसको आप इसके कोड को लेके इस पे बाकी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो, लाइक एडिट करना, डिलीट करना या बाकी जो ऑपरेशन है उनको आप मोर एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है जी, ये डेथ सर्टिफिकेट्स की रिक्वेस्ट है. जिन भी बंदों ने जितने भी डेथ सर्टिफिकेट्स की रिक्वेस्ट की हैं वो सारे एडमिन को नजर आ जाएंगे. लेकिन आपने जब यूजर एंड पे देखा था तो उसके जो भी स्पेसिफिक यूजर के खुद के ऐड किए हुए सर्टिफिकेट हैं वो सिर्फ उसको दिखेंगे, ये यूजर वगैरह की चीजें उसको हमने नहीं दिखाई. तो दो यूजर होते हैं इस वेबसाइट पे, एक होगा एडमिन, दूसरा होगा सिंपल यूजर. यूजर जो भी चीजें ऐड करेगा उसको अपनी चीजें दिखेंगी. ठीक है जी, यानी उसने जितने भी बर्थ सर्टिफिकेट्स की रिक्वेस्ट की है या डेथ सर्टिफिकेट्स की रिक्वेस्ट की है उनको वही यूजर नजर आएंगे. बाकी एडमिन को सारे यूजर, सारे सर्टिफिकेट किसी भी यूजर ने ऐड किए हो, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो चाहे वो डेथ सर्टिफिकेट हो, वो सर्च भी कर सकता है, देख भी सकता है, सारी चीजें हैं जिसके अंदर. तो ये था एक स्पेसिफिक छोटा सा प्रोजेक्ट. अब बढ़ते हैं इसके डेटाबेस की तरफ कि इसकी डेटाबेस की चीजें क्या है. तो मेरे पास MySQL डेटाबेस को मैंने यूज किया है तो उसके लिए एडिटर में यूज कर रहा हूँ SQL Log. इनकी जो भी सेटअप वगैरह है अगर आपको इनकी भी नॉलेज नहीं है तो बेशक आप मुझसे सेटअप भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी आपको ये मिल जाएंगे, फ्रीली अवेलेबल होते हैं. ठीक है जी, तो ये है डेटाबेस. इसके स्कीमा डिजाइनर की तरफ बढ़ते हैं और मैं नंबर ऑफ टेबल्स को स्कीमा के अंदर ही दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इनके अंदर रिलेशनशिप्स क्या हैं और ये किस तरह से काम कर रही हैं. तो ये है यूजर्स का टेबल, ये है बर्थ सर्टिफिकेट का टेबल और ये है डेथ सर्टिफिकेट्स का टेबल. ठीक है जी, यहाँ पे वन टू मैनी रिलेशनशिप है. कोई भी यूजर एक से ज्यादा नंबर ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स और एक से ज्यादा नंबर ऑफ डेथ सर्टिफिकेट्स की रिक्वेस्ट कर सकता है. ठीक है जी, यूजर कोई भी होगा, एक ही बार रजिस्टर होगा, उसी ईमेल से फिर से वो रजिस्टर नहीं होगा, तो यहाँ पे वन टू मेनी रिलेशनशिप है. अगर आप वाइस वर्सा देखें सर्टिफिकेट्स की टेबल से यूजर की तरफ तो मेनी टू वन है. ठीक है जी, और ये आपको जो रिलेशनशिप नजर आ रहे हैं ये रिलेशनशिप बनाना बिल्कुल ईजी है. आप यहाँ पे आके किसी भी संभलने रिलेशनशिप को अगर डिलीट भी करते हैं तो फिर से बना सकते हैं. सपोज मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, देखें यहाँ पे यूजर आईडी का कॉलम है, यहाँ पे भी यूजर आईडी का कॉलम है, यहाँ पे प्राइमरी की है, यहाँ पे फॉरेन की है. तो रिलेशनशिप बनाने से पहले आपको ये लाजमी करना होगा इन MySQL के दोनों टेबल्स का जो हमारा इंजन है, ठीक है जी,
वो चेंज करना होगा, जिसको कहते हैं जो हमारी एसक्यूएल इंजन होती है, लाइक एनओडीबी, मेमरी, मायाजम, सीएसवी, तो इसको आपने क्या करना है, चेन टेबल टाइप करके एनओडीबी करना पड़ेगा, वरना ये रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले जो भी आपके डेटाबेस के अंदर नंबर ऑफ टेबल्स होंगी, उनका डेटा टेबल टाइप जो है वो चेन करके आप एनओडीबी करेंगे, तभी रिलेशनशिप पॉसिबल होंगे, वरना ये नहीं बनेंगे। ठीक है जी, तो इसको ड्रैग करके आप ड्रॉप करोगे इस प्राइमरी की के ऊपर, तो आपका यहाँ पे कंस्ट्रेंट नेम, जिसको हम रिलेशनशिप नेम कहते हैं, वो आ जाएगा। ठीक है जी, कंस्ट्रेंट नेम यानी रिलेशनशिप नेम, और कभी कभार रिलेशनशिप ना बने तो ये नेम सेम हो जाते हैं, तो इसको चेंज कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपके वो बन जाएंगे। ये बता भी रहा है कि कौन सी टेबल्स के अंदर रिलेशनशिप बनने जा रहा है, करंट टेबल हमारी बता रहा है बर्थ सर्टिफिकेट की है, और जो हमारी दूसरी टेबल है रेफरेंस टेबल, जिसके साथ रिलेशनशिप करने जा रहे हैं, वो यूजर्स की टेबल है। ठीक है जी, यहाँ पे इंडेक्सेस वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे नीचे आपको नजर आ रहा होगा ऑन डिलीट और ऑन अपडेट, ये भी चीजें आप दे सकते हैं कि अगर ये हम रिलेशनशिप बना रहे हैं, सपोज एक यूजर है, वो आया, उसने रजिस्टर किया और 15 सर्टिफिकेट एड कर लिए। ठीक है, कल को हम एडमिन को उस यूजर को डिलीट करने का क्या कर देते हैं, ऑपरेशन दे देते हैं। अब होगा ये कि अगर मैं कहता हूं कि ऑन डिलीट पे क्या हो जाए, कैस्केड हो जाए, तो इससे ये होगा कि अगर एडमिन यूजर को डिलीट करता है तो उसके बनाए गए जितने भी बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट हैं वो सारे के सारे एक साथ डिलीट हो जाएंगे, यानी यूजर डिलीट तो सारे के सारे सर्टिफिकेट भी डिलीट। ये होगा तब जब आप रिलेशनशिप बना रहे हैं और नीचे आपने डिलीट पे क्या बता दिया, कैस्केड बता दिया। ठीक है जी, लेकिन अगर आप सेट नल करते हैं तो बेटा सेट नल के सिनेरियो के अंदर ये होगा, अगर किसी भी यूजर को आप डिलीट करेंगे तो उस यूजर के साथ जहां जहां या उस यूजर के बनाए गए जितने भी सर्टिफिकेट हैं वहां पे वैल्यू सेट नल हो जाएगी। क्योंकि देखें, होता यह है कि आप जब भी एज ए यूजर आते हैं और नंबर ऑफ सर्टिफिकेट ऐड करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि कौन सा सर्टिफिकेट किस यूजर ने ऐड किया है। अगर मैं आपको एडमिन साइड पे लेके चलूं, देखें ये आपको नजर आ रहा होगा, ऑल बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट्स पे जाते हैं। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये बंदा है जिसका सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट की गई है, और ये किसने ऐड किया है, सर्टिफिकेट एडेड बाय, तो यहां पे पता चल रहा है कि अली है जो हमने लास्ट ऐड किया था। आपको पता है कि ये डेथ सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट जो है वो इस बंदे ने की है। ठीक है, अगर मैं ये करता हूं कि अली यानी यूजर्स में जाके इस अली के डेटा को कल को हम ऑपरेशन देते हैं एडमिन को कि ये यूजर्स को डिलीट कर सके, तो अगर अली को यहां से कर देते हैं हम डिलीट, तो अली का ऐड किया गया वो सर्टिफिकेट भी रहे या डिलीट हो जाए, उसके लिए वो चीजें आपको रिलेशनशिप्स के अंदर बतानी पड़ती हैं। ठीक हो गया जी, अब सपोज आपने अली को किया डिलीट, तो वहां पे क्या हो जाए, सेट नल हो जाए, सर्टिफिकेट रहे बस यूजर डिलीट हो जाए, तो हम ये भी कर सकते हैं। फिर आता है नो एक्शन और रेस्ट्रिक्ट, इन दोनों का काम एक ही है, इन पे सिलेक्ट करो या ना करो, बाय डिफॉल्ट यही होते हैं, रेस्ट्रिक्ट और नो एक्शन। ठीक है जी, इसका मकसद ये है कि अगर आपका कोई यूजर रजिस्टर हुआ है और उसने 15 सर्टिफिकेट ऐड किए हैं और एडमिन करने जा रहा है डिलीट उस यूजर को, तो एडमिन को वो यूजर डिलीट करने की परमिशन नहीं होगी। ठीक है, उसको पहले बोला जाएगा कि इस यूजर के जितने भी नंबर ऑफ सर्टिफिकेट आपने ऐड किए हैं पहले उनको डिलीट करो, फिर आप इस यूजर को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसका कॉन्सेप्ट होता है, कुछ पेरेंट टेबल होती हैं, कुछ चाइल्ड टेबल होती हैं। यहाँ पे पेरेंट टेबल यूजर्स का है, चाइल्ड टेबल हमारी डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट की है। ठीक है जी, इसी तरह हमारे पास अगर आपने क्या किया, ऑन अपडेट में ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी भी स्पेसिफिक यूजर का जो ईमेल है अपडेट किया इन फ्यूचर,
तो क्या उन सारे सर्टिफिकेट के सामने जो यूजर है वहां पे भी ये चीज अपडेट हो जाए? अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ऑन अपडेट पे कैस्केड को आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। सपोज आपने ई कॉमर्स की प्रोडक्ट्स के कॉन्सेप्ट को अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे दूँ उसका, ठीक है। सपोज होता ये है कि अगर आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उसकी कैटेगरीज हैं, सोप कैटेगरीज हैं, उसमें 15 सोप हैं, लाइक लाइफबॉय, सेफगार्ड एंड ऑल। तो कल को ये होता है कि आप किसी भी कैटेगरी का नाम चेंज करते हैं कैटेगरीज के टेबल से। सपोज कैटेगरी का नाम था सोप, अब जितने भी सोप आपने ऐड किए प्रोडक्ट्स की टेबल में, उनके सामने नजर आ रहा है भाई कैटेगरी हमारी क्या है, सोप की है। आपने कल को क्या कर लिया, फॉर एग्जाम्पल सुपर सोप्स या वॉट एवर जो भी आपने नाम चेंज करके अपडेट किया, तो आप चाहते हैं उस लायबा और सेफगार्ड के उस प्रोडक्ट्स के साथ जो कैटेगरी का नाम जुड़ा हुआ है वहां पे भी अपडेट हो जाए या उस टेबल में भी अपडेट हो जाए? तो अगर ऐसा चाहते हैं अपडेट हो जाए, तो ऑन अपडेट पे आप रिलेशनशिप में क्या बताएंगे, कैस्केड बता देंगे। अगर आप चाहते हैं सेट नल, कि कोई भी चीज जब पेरेंट टेबल से अपडेट हो तो ऑटोमेटिक वहां से उसको बस नल किया जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब ये सिनेरियोस पे डिपेंड करता है कि कौन से प्रोजेक्ट में किस तरह की टेबल्स का काम है और हमें किस तरह से उस सिनेरियो को समझ के या यूजर की रिक्वायरमेंट को समझ के ये चीजें हमें प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है जी। ऑन डिलीट और ऑन अपडेट पे आपको मेरी एक प्लेलिस्ट है MySQL की, उसके अंदर एक पूरा लेक्चर है, तो उस पर भी आपको आइडिया हो जाएगा। अब अगर आप इसके अबाउट मोर पढ़ना चाहते हैं तो 40 मिनट की कोई वीडियो है, उसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने टेबल्स बनाई हैं, उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म किया है, तो अगर आपको यहाँ से क्लियर ना भी हो तो आप वहाँ से देख के आइडिया को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से आप रिलेशनशिप को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आपको बता रहा है कि सोर्स टेबल कौन सी है जी, सोर्स टेबल है बर्थ सर्टिफिकेट, जहां से हमने ड्रैग करके ड्रॉप किया है यूजर्स के ऊपर, और वहां पे भी कॉलम का नाम यूजर आईडी है। वैसे कॉलम का नाम चेंज भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डेटा टाइप सेम होनी चाहिए, ये आपकी कंपलसरी है। तो क्रिएट करते हैं रिलेशनशिप, ठीक है जी। तो आपको ये रिलेशनशिप भी यहां पे नजर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक 3 टेबल का डेटाबेस है, जो बेसिक ही मैंने कहा कि एक प्रोजेक्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से बनाया गया है। वैसे इस प्रोजेक्ट को अगर आप जितना चाहें लंबा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। कल को अगर ये इम्प्लीमेंट होता है कहीं, तो जाहिर है रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होंगी, मैसेजेस एंड एवरीथिंग आप जो है इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई होप ये आपके लिए बेहतर रहेगा अगर आप बिगिनर हैं, और आपको अगर इस प्रोजेक्ट का डेटाबेस, पीपीटी या वट एवर द डेटा जो मैं यहाँ पे एलोबरेट कर चुका हूँ, इसकी ज़रूरत हो तो आप मेरे ईमेल पे आप ईमेल कर सकते हैं, मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ, तो आपको ये मैं सारा कोड वगैरह जो भी है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बेहतर समझने चीज़ होगी फॉर बिगिनर्स, और इसके अबाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी चीज़ या कोई भी चीज़ की आपको कोई समझ लें चीज़ समझ में नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।